ओम शांति। आज की तारीख है 22/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे विदेही शिवपिता कहते हैं, मीठे बच्चे देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनो, अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, शिव पिता की याद में खास बैठो, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? याद करिए सभी। उत्तर है, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए। सब कुछ दिखाई पड़ता है तो सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान न हो। एक बाप की याद रहे, अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है, इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। नंबर दो, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने की खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन है, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।